गुरुआ थाना कांड संख्या 136/21 के तहत सेनाबारी गांव में रंगदारी कांड का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। मामले में पुलिस ने दो अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार करने में भी सफलता प्राप्त की है। रविवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए सिटी SP राकेश कुमार ने उक्त जानकारी दी है। ये गुरुआ थाना अंतर्गत एक रंगदारी का एक्सटॉर्शन कॉल का कंप्लेंट आई थी थाने में, और उस थाने के बाद उसमें एक नंबर से जो कंप्लेनेंट है उनसे मकसूदन चौधरी है कंप्लेनेंट, उनसे रंगदारी की मांग की गई थी। 5 लाख रुपए डिमांड की गई थी और रंगदारी नहीं देने की स्थिति में उनको गोली से मारने की धमकी भी दी गई थी। सूचना को मिलते ही जैसे इसको उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई और अनुमंडल पुलिस अधिकारी शेरघाटी और इनके पूरे नेतृत्व में काम को इस उद्भेदन के लिए इसमें थाना प्रभारी गुरुआ भी लगे रहे हैं। इसमें इसी क्रम में जब रंगदारी का कॉल जो आया था 17 तारीख को, उसके बाद एक दिन बाद ही जो अपराधकर्मी ने दहशत बनाने के लिए जो पीड़ित है वादी है उनके घर पर फायरिंग भी की गई और उनके पिकअप गाड़ी है उसमें आग भी लगा दी ताकि दहशत और भी बनी और जिससे कि पीड़ित और भी भयभीत होकर पैसे की डिमांड पूरी कर रहे। तो हमने तकनीकी विश्लेषण किया, टेलीफोन जो जिस नंबर से कॉल आया था उसके आधार पर हमने और सभी और भी साक्ष्य उठाए। उसमें ये अपराधकर्मी है हरेंद्र यादव, ये काफ़ी पुराना अपराधकर्मी है, इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, इसको गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ एक सहयोगकर्मी है चांद कुमार, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के निशानदेही पर एक ये कंट्री मेड कट्टा रिकवर हुआ, साथ में गोलियाँ भी हुई और इसी वेपन से इन्होंने फायरिंग की थी दहशत फैलाने के लिए। साथ में सिम कार्ड और फ़ोन भी जिससे कॉल किया था वो भी रिकवर किया गया है। पूछताछ के क्रम में इसने अपनी संलिप्तता एक और भी अभी रिसेंटली ही अभी 8 फरवरी को मर्डर हुआ था, ये गुरुआ थाना अंतर्गत ये अविनाश कुमार की हत्या हुई थी, उसका भी इसने स्वीकार किया है कि उस घटना को इसी ने अंजाम दिया था। और इसकी गिरफ्तारी से बहुत सारे हमें जो उस इलाके में काफ़ी सारे दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा था और उसको रोका गया है। इसका काफ़ी लंबा चौड़ा क्रिमिनल हिस्ट्री भी है हरेंद्र कुमार का। इसके विरुद्ध गुरुआ थाना में ही 7 कांड दर्ज हैं, आर्म्स एक्ट के, रंगदारी के और चोरी का सामान की बरामदगी उसके साथ ही हुआ है। पूर्व में कई बार जेल भी जा चुका है और फिर रिसेंटली जेल से वापस निकलने के बाद ये फिर से अपनी आपराधिक गतिविधियाँ सक्रिय कर रहा था, इसी कोशिश में इसको गिरफ्तार किया गया है। एक मोबाइल रिकवर हुआ है, एक देसी ये कंट्री मेड पिस्टल और 2 जिंदा गोलियाँ मिली हैं। फिलहाल तो अभी उस पर हम लोग सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रहे हैं और जिस बिंदु पर हमको जब भी जैसे साक्ष्य मिलेंगे हम लोग उस पर अग्रतर कार्रवाई करेंगे। ये चांद जो ऐसे बालिग है या नाबालिग है इसकी हम लोग देख रहे हैं, इसकी समीक्षा कर रहे हैं, इसमें अगर ऐसा कुछ आता है तो उसी हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। राकेश जी, जैसा कि आपने कहा जेल के द्वारा बहुत सारे लोगों की भी जानकारियाँ मिली है जो उधर दहशत फैलाने और तमाम कार्यक्रमों में इन्वॉल्व, वैसे लोगों की कितनी सूची होगी? अभी हम लोग उसकी पूरी फहरिस्त तैयार कर रहे हैं, इसके आधार पर इनकी निशानदेही पर और भी जो ऐसे इसके साथ में सहयोगकर्मी रहे हैं जिन्होंने पूर्व के कांडों में इसके साथ अपराध कर घटना को अंजाम दिया हो या जिनके साथ इसकी संलिप्तता रही हो किसी प्रकार का साठ गांठ, हम सारे नेटवर्क को ध्वस्त करेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे और फिर ध्वस्त की जाएगी।